दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, हमें ऐसा क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में। तो दोस्तों ये प्रश्न हम सभी के मन में कई बार आया होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने किसी फुटबॉल के खिलाड़ी को जब देखा खेलते हुए तो मन में आता है कि क्यों ना फुटबॉल के खिलाड़ी बन जाए। क्रिकेटर को देखा तो सोचते हैं क्रिकेटर बन जाते हैं। हॉकी प्लेयर, बॉक्सर या जो भी खिलाड़ी आपको दिखाई देता है तो आप ये सोचते हैं हम भी ऐसा ही कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा विचार करने में और उस काम को करने में बहुत फ़र्क होता है। आपका विचार रोज़ रोज़ बदलना नहीं चाहिए। जैसे आपने किसी सोशल वर्कर को देखा तो मन करेगा चलो मैं भी समाज सेवी बन जाता हूँ, इसकी समाज में कितनी इज्जत है। एक्टर को देखा तो मन में आता है एक्टर बन जाते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि क्या पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है? अगर हाँ तो आप बार बार सोचोगे कि घर के लिए रोटी दाल का इंतज़ाम कैसे करें। आज 10,000 की नौकरी करने में 10 घंटे निकल जाते हैं, उसकी बात थोड़ी अलग करते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और जो ज़्यादा कमाते हैं उनके कभी जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। ऐसा नहीं है आप एक बार में ही लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे। कई बार तो खुद ही पता नहीं चल पाता कि हम क्या करें, हमारी रुचि किस चीज़ में है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी काम पसंद है तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसी के बीच समय निकालिए। घर आने के बाद आपको समय तो देना ही पड़ेगा, केवल ख्याली पुलाव बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको जो पसंद है आप उसे करिए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक महीने, दो महीने, अगर आप उसको करते करते बोर नहीं होते हैं, आपका मन करता है कि अगर आप ये काम करते रहेंगे तो आपको अच्छा लग रहा है, तो आप उस काम को अपना लक्ष्य बना सकते हैं। अगर आपका मन 5-7 दिन में ऊब जाता है तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हताश बिल्कुल ना हो। जिस काम को आप घंटों बिना थके कर सकते हैं, मान लीजिए आप उसमें माहिर हो सकते हैं या माहिर हैं, तभी आप उसे कर पा रहे हैं। लेकिन आपको उस काम को समय तो देना ही पड़ेगा। जैसे किसी को संगीत सीखना है, उसकी रुचि हुई होनी चाहिए, संगीत के किसी अध्यापक से सुर की जानकारी लेनी पड़ेगी। आप घर बैठे मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह नहीं बन पाओगे। दो चीज़ें हैं, या तो आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं या फिर आपका शौक है, शौक को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। पैसा किस्मत में होगा तो शौक से भी आ जाएगा। अगर आपके परिवार को सिर्फ पैसों की ज़रूरत है तो पहले आप छोटी मोटी नौकरी करें, ज़रूरत को पूरा करें, पैसों की ज़रूरत को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब आपका परिवार सही से चलने लगेगा तो आपके घर में एक शांति होगी और आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में शांति से काम कर पाएंगे। तो अब ये प्रश्न उठता है कि जीवन में हमें क्या करना होगा, क्या करना चाहिए। इसका जवाब है, जो भी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा पसंद है आप वो कीजिए, ना किसी की देखा देखी करके, बल्कि अपने मन से। ये चीज़ों को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगती है। जो भी अच्छा काम करके आपको खुशी मिले आप वो काम करिए। जिस काम में आपको रुचि हो, आपको ये तब पता चलेगा जब आप एक के बाद एक काम ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली बार में ही आपको सब कुछ पता चल जाए, लेकिन आपको खुद के बारे में जानना पड़ेगा कि आपको कौन सा काम करना अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज पढ़ने से या मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। इसीलिए जब भी आपके पास समय हो तो आप अब वो काम करना शुरू कीजिए जो आपको पसंद है। एक टाइम टेबल बनाइए और इस काम में जुट जाइए। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या काम करना पसंद है, आपने ऐसा कोई काम ट्राई किया और वो क्यों छोड़ दिया या उसे क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इस बारे में भी लिख सकते हैं दोस्तों। हमारी ऑडियंस को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।